Hello, today I'm going to share a beautiful journey, a beautiful near-death experience of a neurosurgeon, Dr. Ibn Alexander. डॉक्टर एक न्यूरोसर्जन हैं। इन्होंने 1976 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद मेडिकल में अपना करियर बनाया। और ये इनका स्पेशलाइज्ड एरिया था न्यूरोसर्जरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 15 साल ये प्रोफेसर रहे और 150 से ज़्यादा जर्नल्स और लेटर्स और कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने अपने एरिया में लिखी हैं। बेसिकली वो साइंस के लिए डिवोटेड थे, कम्प्लीटली साइंटिफिक मैन। और क्योंकि उनका बेसिक एरिया मेडिकल में वो भी था ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड, तो लगभग दर्जनों लोगों की, बहुत सारे लोगों की उन्होंने सीवियर कंडीशन में सर्जरी की है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं बस मेडिकल साइंस से लोगों को हील करने की, ठीक करने की कोशिश करता रहा और मेरे लाइफ का एम लगभग यही था कि दिमाग और इंसान के बारे में और से ज़्यादा जानना। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी जिसे वो अपने आप को लकी मानते थे, क्योंकि उनकी वाइफ थी, उनके दो बच्चे थे, सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब वो लगभग 54 ईयर्स के थे, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने उन्हें और उनकी सोच को बदल कर रख दिया। 2008 में उनको ब्रेन की एक ऐसी बीमारी हुई जिसकी वजह से वो लगभग 7 दिनों तक कोमा में चले गए। क्योंकि वो खुद एक न्यूरोसर्जन थे तो वो अपनी उस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ सकते थे और हमें समझा भी सकते हैं कि उन्हें पूरे रिसर्च करने के बाद अपने ही केस पे क्या समझ आया कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ था। अगर साइंटिफिकली देखें तो वो कहते हैं कि ब्रेन का जो बाहर का सरफेस है वो पूरी तरह से मेरा क्लोज हो गया था, बंद हो गया था। वो एरिया जिसकी वजह से हम ह्यूमन बनते हैं, हम सोचते समझते हैं, वो एरिया पूरी तरह से बंद हो चुका था। और वो कहते हैं कि एज ए न्यूरोसर्जन मैं कह सकता हूँ कि आपका ब्रेन बंद मतलब आप बंद। डॉक्टर कहते हैं कि क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन था, दिमाग का डॉक्टर था, तो ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आए थे जिनमें मैंने बहुत बार कई लोगों से, स्पेशली जो कार्डियक अरेस्ट से मरे हैं या जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उन लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं जैसे कि किसी मिस्टीरियस प्लेस पे चले जाना, जैसे कुछ देर के लिए वो इस दुनिया से चले गए थे किसी दूसरी जगह पर, किसी अदर डायमेंशन में, जहाँ वो उन लोगों से मिले जो उनसे पहले मर चुके हैं, जहाँ वो ये क्लेम करते हैं कि वो खुद गॉड से मिले, उनसे बातें करी। डॉक्टर को लगता था कि हाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक कल्पना थी, फैंटेसी, लोगों की अपनी कल्पना। तो ऐसे केसेस में जब तक मेरे साथ ये घटना नहीं हुई थी, उससे पहले मैं इस तरह के एक्सपीरियंसेस को सिर्फ दिमागी खेल कहता था। मुझे लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमागी फैंटेसी है, हमारी कल्पना है। जब हम उस स्टेज में होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह से वर्क करता है कि हमें लगता है कि हम किसी और जगह पर हैं या कुछ चीज़ें हमने ऐसी देखी हैं। डॉक्टर कहते हैं ये उस समय पर मेरा मानना था और मैं इसी तरह से इन चीज़ों को ये कहकर नकार देता था। लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मेरे केस में जो डिज़ीज़ मेरे ब्रेन में हुई थी उसके अकॉर्डिंग मेरा दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका था, और जब दिमाग बंद हो चुका था उस केस में मेरा ये कहना कि एक फैंटेसी है या कल्पना है, ये पॉसिबल नहीं। हमारा दिमाग ही है जो हमें ह्यूमन बनाता है, जो हमें ज़िंदा रखने का एक सबूत है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन कम्प्लीटली डेड हो चुका था। डॉक्टर कहते हैं कि उन 7 दिनों में जब मैं कोमा में था और ब्रेन डेड था, उस समय मैंने अपने आप को नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया और मैं अपने आप को उस दूसरी दुनिया में देख रहा था जो कभी मैं फिज़िकल वर्ल्ड में सोच भी नहीं सकता था और जिसे मैं अपने साइंस के तर्क देकर सिरे से नकार दिया करता था। और आज मैं ये कह सकता हूँ
मेरे एक्सपीरियंस के बाद कि ब्रेन और आपकी बॉडी अगर मर जाती है तो वो भी आपकी चेतना का अंत नहीं है। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली रहती है वैसी की वैसी। और मैं कहना चाहूँगा कि ह्यूमन एक्सपीरियंस उसकी कब्र से आगे भी जारी रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जगह जहाँ मैं गया वो वाकई में सच थी, बिल्कुल रियल। और अगर आज मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो वो दुनिया बिल्कुल सपनों जैसी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ की कद्र नहीं करता। इवन अब अपनी प्रेजेंट लाइफ की कद्र मैं कहीं ज़्यादा करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की वैल्यू को समझ चुका हूँ, क्योंकि अब मैं जीवन का मतलब समझने लगा हूँ। लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, बस ये है कि इस फिज़िकल पर्सपेक्टिव से हम कई बार कई सारी चीज़ें नहीं समझ पाते और ना ही देख पाते हैं कि क्या क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस एक्सपीरियंस के बाद अब मैंने मेरा न्यूरोसर्जन का काम छोड़ दिया है, नहीं, लेकिन अब मैं समझने लगा हूँ कि हमारी शरीर और ब्रेन के मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। 2008 में डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा की तरह एक नॉर्मल दिन था, मुझे ऑफिस जाना था और सुबह सुबह मेरी स्पाइन के बेस पे बहुत तेज़ पेन होने लगा और धीरे 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 वो दर्द बढ़ता ही चला गया। मैंने उठने की कोशिश करी, मैं उठ नहीं पा रहा था, मुझे लगा शायद नॉर्मल फ्लू होने वाला है, लेकिन उन्हें उस समय नहीं पता था कि उन्हें क्या होने वाला है। उनके सर में बहुत तेज़ दर्द था, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। लगभग एक दो घंटे दर्द में परेशान होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें बहुत तेज़ दर्द है उनकी स्पाइन की बेस में, उन्हें रेस्ट करना होगा। वो लेट गए और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता चला गया। वो दर्द इतना बढ़ता चला गया कि उनके सर पर हाथ लगाते ही वो चिल्लाने लगते थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि वो एम्बुलेंस बुलाए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन उसके लिए उन्होंने मना किया। उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा सा फ्लू है और थोड़े टाइम में चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़कर जब उनकी वाइफ चली गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, उनकी आँखें खुली थी और उनका जॉ, नीचे का जॉ बहुत बुरी तरह से अकड़ गया था। वो घबरा गई और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और उस समय मुझे लगभग 7 दिन के लिए कोमा डिक्लेयर कर दिया गया और उस कोमा के टाइम में मुझे 1 वीक के लिए इस दुनिया का कुछ याद नहीं। मैं एक कम्प्लीटली अलग वर्ल्ड में था, अलग दुनिया में था। मेरा दिमाग, या कहें तो जिसे आप आत्मा कहते हैं, मेरा बॉडी छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि उस स्टेज में जो लास्ट तीन वर्ड्स मैंने बोले वो थे गॉड हेल्प मी। उसके बाद लगभग 7 दिन तक मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। उसके बाद मुझे लगा मैं एक अलग ही दुनिया में था, एक अंधेरे में, बहुत सारा अंधेरा, जैसे कोई अंडरवर्ल्ड हो, जैसे मुझे लगा मैं किसी कीचड़ में, दलदल में वहाँ फंसा हुआ हूँ, जहाँ आसपास कीड़े रेंग रहे हैं, मिट्टी से भरे हुए, बदबूदार। दैट वॉज द वर्स्ट फीलिंग। सब कुछ बहुत हॉरिबल था, रेंगते हुए से जानवर। ऐसा लग रहा था जैसे कितना अंधेरा है यहाँ। तभी मुझे फील हुआ कि मैं इस जगह के लिए नहीं हूँ। और इतना सोचते ही मेरे सामने एक रोशनी थी, एक गोल्डन लाइट, और धीरे धीरे वो लाइट मेरे पास आती गई और चारों तरफ फैलती चली गई। और उस लाइट में मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे लगा कि मैं उस पीछे की दुनिया को कहीं और छोड़ कर आ गया हूँ और मैं एक नई दुनिया में हूँ। एक संगीत सा मेरे कानों में गूंजने लगा था और मेरे नीचे हरी हरी घास, जैसे कि पृथ्वी हो, अर्थ हो, लेकिन वो अर्थ नहीं थी। आई वॉज फ्लाइंग पेड़ों के ऊपर से, घास के मैदानों के ऊपर से।
बहुत खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जो मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वहाँ कई सारे लोग थे, झरने थे, पेड़ पौधे थे, बच्चे थे जो खेल रहे थे। अ ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल वर्ल्ड। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और उन्होंने इतने खूबसूरत कपड़े पहने थे जो कभी नहीं देखे। उस दुनिया के कलर बिल्कुल अलग थे। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन ये सपना नहीं था। मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मेरा जन्म हुआ है। लेकिन तभी मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ है। इतनी सारी बटरफ्लाइज वहाँ थी और मैंने देखा कि मेरी साइड में एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, फुल ऑफ लव, और ऐसा लव जो कभी हम फिजिकल वर्ल्ड में महसूस भी नहीं करते। बिना कुछ शब्दों का इस्तेमाल किए मुझे लगा कि उसने मुझसे कुछ कहा। ऐसे लग रहा था कि मैसेज शब्दों से नहीं, मुंह से नहीं, बल्कि हवा की तरह आ रहे हों। मैं इस दुनिया के बारे में जितना भी लिखूं, जितना भी कहूं, वो पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगा जैसे मेरा एक जन्म फिर से हुआ है इस बहुत बड़े यूनिवर्स में। मुझे लगा मैं गॉड, मदर गॉड की वॉम में हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह। और फिर एक खिंचाव सा मुझे महसूस हुआ, जैसे मैं वापस उसी रास्ते से बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ खींच रहा है, एक पावर। मेरी स्पिरिट गाइड अभी भी मेरे साथ थी और मैं पीछे आते आते फिर वहीं पहुंच गया जहां से मैं शुरू हुआ था। वो डार्क प्लेस, अर्थ वॉर्म व्यू जैसा, जहां से ऐसा लग रहा था जैसे हम एक कीड़े हैं और ब्लड मड के बीच में, बिल्कुल फिर से वही। और वो कहते हैं कि मैं पूछ रहा था, मैं अपने आप से या क्या यूनिवर्स से ये क्वेश्चन कर रहा था कि मैं फिर से ये क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इस वर्ल्ड में, इस डार्कनेस में मैं वापस से क्यों आया हूँ। और मुझे लगा जैसे मुझे जवाब दिया गया हो, मुझे आंसर मिला कि तुम्हारे लिए एक अदर डायमेंशन का, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का टूर है जिसे तुम जान लो, समझ लो। और इस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लेवल है जो तुम अभी देख रहे हो, और जहाँ अभी तुम हो वो लोअर रिलम है, सबसे नीचे का अंडरवर्ल्ड। मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उस जगह पर मैं कितने टाइम रहा। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या क्या देखा, फर्क पड़ता है कि मैंने क्या सीखा। और मैंने इस जर्नी में यही सीखा जो उन्होंने मुझसे कहा, दैट यू आर लव्ड, यू हैव नथिंग टू फियर, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू रॉन्ग। मैंने सीखा कि लव हर एग्जिस्टेंस का आधार है, बस यही है जो है।